दोस्तों जानिए फर्जी रेंट रिसीप्ट कैसे पकड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ऐसी गलती करने पर सीधा आएगा नोटिस। पूरा मामला जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। जो लोग फर्जी रेंट रिसीप्ट लगाकर टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कैसे आयकर विभाग फर्जी रेंट रिसीप्ट वाले ITR को पकड़ रहा है और उन्हें नोटिस भेज रहा है? इनकम टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे लोग फर्जी रेंट रिसीप्ट लगाते हैं। पिछले कई सालों से तमाम लोग इस तरह से टैक्स बचाते चले आ रहे हैं। आयकर विभाग को भी ये सब कुछ दिखता है और आयकर विभाग ने अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो लोग फर्जी रेंट रिसीप्ट लगाकर टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं, ITR विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर कैसे आयकर विभाग फर्जी रेंट रिसीप्ट वाले लोगों को पकड़ रहा है और उन्हें नोटिस दे रहा है? उसी में बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है, जिसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न करने पर पेनल्टी लगेगी। आयकर विभाग की तरफ से एक और नया अपडेट आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आयकर विभाग भी AI का इस्तेमाल करके फर्जी रेंट रिसीप्ट लगाने वालों को पकड़ रहा है। इसके लिए फॉर्म 16 के साथ AIS फॉर्म और फॉर्म 26AS का मिलान किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन फॉर्म में पैन कार्ड से जुड़े काफी ट्रांजैक्शन दर्ज किए होते हैं। जब करदाता रेंट रिसीप्ट के जरिए हाउस रेंट का दावा करता है, तो आयकर विभाग इसके दावे का मिलान इस फॉर्म से करता है और कुछ अंतर होता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। हाउस रेंट से जुड़ा एक नियम है कि वह HRA का डिडक्शन तभी क्लेम कर सकता है कि जब उसे कंपनी की तरफ से HRA मिल रहा हो। वहीं अगर कर्मचारी 1,00,000 रुपए से अधिक किराया चुका रहा है, तो उसे अपने मकान मालिक का भी पैन नंबर देना होगा। इससे आयकर विभाग आपके HRA के तहत क्लेम किए गए अमाउंट को आपके मकान मालिक के पैन नंबर पर भेजे गए अमाउंट से मिलान करता है। और बता दें कि पैन से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन AS फॉर्म में दिखती हैं। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है, तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेज दिया जाता है। अगर आपकी कंपनी HRA देती है और आप 1,00,000 रुपए से कम सालाना रेंट क्लेम करते हैं, तो आपको अपने मकान मालिक का पैन नहीं देना होगा। यानी कि इस स्थिति में आप 1,00,000 रुपए तक का HRA क्लेम कर सकते हैं, जिसे आयकर विभाग की तरफ से कोई भी चेक नहीं करने आएगा। HRA को लेकर फर्जीवाड़ा होने की सबसे बड़ी वजह है कि इससे बहुत सारा टैक्स बच सकता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर का किराया 20,000 रुपये महीना यानी कि 2,40,000 रुपये सालाना दिखाया है, तो सीधे इतने रुपये पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, बशर्त कंपनी की तरफ से कम 2,40,000 HRA मिल रहा हो। हालांकि आपने अगर कम रेंट चुकाया है, तो आपको इस पूरे अमाउंट पर क्लेम नहीं मिलता है। ऐसे में बहुत लोग सोचते हैं कि फर्जी रेंट रिसीप्ट बनाकर टैक्स बचाया जाए, लेकिन अब आयकर विभाग इन फर्जी बाड़ों को आसानी से पकड़ रहा है और उन्हें तुरंत नोटिस भेज रहा है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताना यह जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।